सो हे गाइस, बात करनी है आज एक बहुत बड़ा टॉपिक पे यार। यूपीएससी करने के लिए हमें एलएलबी करने से एज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो यार, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे जूनियर्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि भैया क्लैट करने से पहले ये बताइए कि अल्टीमेट हमारा एम तो यूपीएससी है, क्या लॉ करने से फायदा होगा उसमें। तो यार देखते हैं, बात करेंगे इस बारे में, अच्छे से डिटेल समझेंगे कि यूपीएससी एग्जाम की डिमांड्स क्या हैं और क्या हमें लॉ, जो हमारा लॉ करना है वो हमें उसमें एक एज प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। देखो यार, सबसे पहले अगर लोग इमीडिएट आंसर सीख कर रहे हैं तो ऐसा कोई मेरे अकॉर्डिंग, डिस्क्लेमर, मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोई एज प्रोवाइड नहीं होती है, बिकॉज द फैक्ट सेज कि यार इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कंस्टिट्यूट करते हैं मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और देखो, हमारे करियर का चॉइस हम लोग लेते हैं किस बेसिस पे यार। देखो, कई लोग सिर्फ बीए करके कोचिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बीए के सब्जेक्ट्स होंगे और उसको हम अलग, उसको वो हमें एज देंगे एग्जाम में और इस वजह से हम क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो यार, मेरे हिसाब से कंप्लीटली अप्रोच गलत होती है, बिकॉज आपको एक बैकअप रेडी करना चाहिए, ठीक है? एक बैकअप ऐसा रेडी करना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, बिकॉज एग्जाम में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि कोई हद नहीं है, ठीक है? बीए एलएलबी, बीए, बीबीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी आप करते हैं, आपको सिविल सर्विसेज की सेवा में हर फील्ड के बंदे को इनविटेशन होता है कि आइए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए, ठीक है? पर हम देखते हैं कि कुछ कंसेप्शन बने होते हैं कि भैया लॉ ऑप्शनल में ज्यादा फायदा है क्या, इंजीनियरिंग करने वालों के ज्यादा सिलेक्शन होता है क्या, वो फायदेमंद है? नहीं सर। देखो, इट्स ऑल अबाउट द एबिलिटी टू वर्क हार्ड विच इज डेवलप्ड बाय प्रोफेशनल कोर्सेस। हाँ, जब आप अच्छे कॉलेजेस में जाते हो, अच्छे कोर्सेस करने जाते हो, तो आप जो इस तरह के डिग्रीज होती हैं जो बिना एग्जाम दिए कुछ लोगों को मिल जाती हैं, जो बिना पढ़े मिल जाती हैं, वो और आप जब एक साथ एक चीज तैयारी करोगे तो आप बताइए, आप ज्यादा आर्ट्स बैठ पाओगे, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे? डेफिनेटली हाँ। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। या जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारी अप्रोच टोटली अलग हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं एक करंटली एलएलबी बीएलएलबी का छात्र हूँ। थर्ड ईयर तक मैंने ऑलमोस्ट एलएलबी में जो हमारे बीए के स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सबको पढ़ लिया। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स हैं भी मेरे बैच में, दे आर नॉट रिलाइड अपॉन द सब्जेक्ट्स और द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट विच इज टॉट इन द क्लास इन कॉलेज। बिकॉज तुमने सभी सुना होगा कि कॉलेज लेवल स्टडी एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सॉरी, तो ये चीज होती है दोस्त। मतलब कि तुम अगर बीएससी एलएलबी कर रहे हो तो तुम्हें एज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात समझो, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अगर तुम किसी में स्ट्रांग हो तो तुम उसको ऑप्शनल ले सकते हो। मान लो कि तुम बीबीए में बिजनेस मैनेजमेंट नाम का, मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, उसमें तुम स्ट्रांग हो, अब तुमने उसको अपने यूपीएससी में ले लिया, तुम बीए में बीएलएलबी के अंदर हिस्ट्री में स्ट्रांग हो, तुमने लॉ ऑप्शनल नहीं लिया, तुमने बीए का वो सब्जेक्ट ऑप्शनल लिया, तुमने इंजीनियरिंग में मैथ्स ली और मैथ्स में तुम स्ट्रांग हो और मैथ्स तुम्हारी ऑप्शनल बन गई तो तुमने वहां फोड़ दिया। सिंपल सी अंडरलाइन स्टेटमेंट ये है सर कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको एक होलिस्टिक एनवायरमेंट मिलता है हर तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने का, हर तरह के सब्जेक्ट एक्सप्लोर करने का। इवन कई लोग तो जिसमें ग्रेजुएशन करे होते हैं उसको छोड़ के दूसरा कोई सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट उठाते हैं और फोड़ देते हैं। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो ये जो कंसेप्शन है ये थोड़ा गलत है। हाँ, ये बात याद रखेंगे कि अच्छी एलएलबी की डिग्री जहां से आपने करी होगी वो आपको बहुत ही ज्यादा पुश करेगी काफी हैवी लिटरेचर रीड करने के लिए, तो उससे आपको एक एज मिलेगी एग्जाम में। बट एज एन लॉ स्टूडेंट आपको कोई औरों के कंपेयर में ये हो रहा है कि मैं लॉ करके यूपीएससी में कोई एज पा रहा हूं दोस्तों से, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं है। पीपल मे डिफर, लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना।